हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं FST 01 पेपर का सोल्यूशन। ठीक है, डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन देखो, सिंपल सा है काफी। एक्स प्लस वन प्लस कोस ऑफ टू एक्स अपॉन एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। लॉजिक क्या है, ये जो एक्स अपॉन एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, यहाँ से बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, वो भी इंटीग्रेबल है। और फिर ये वन प्लस कोस टू एक्स है, उसको लिख देंगे टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, इसको लिख दिया टू कोस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा टू बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सोल्व करेंगे अपन, इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, एफ ऑफ एक्स आ गया, के भी आ गया अपने पास, सब कुछ सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए डिफरेंशियल फंक्शन एंड मोड ऑफ एफ डैस एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू टू फॉर ऑल एक्स। इफ एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू एंड एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू एट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू। तो अपन को बेसिकली क्या करना है, जैसे कभी भी ये ध्यान दो, यदि डिफरेंशियल में इनइक्वलिटी है ना, डिफरेंशियल में इनइक्वलिटी है, तो एक बार LMVT के बारे में सोचेंगे अपन, है ना। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या एफ डैस एक्स है, एफ डैस एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू, तो मतलब डिफरेंशियल्स है, डिफरेंशियल्स में यदि इनइक्वलिटी हो, याद रखो इस चीज़ को, यदि डिफरेंशियल में इनइक्वलिटी है तो एक बार LMVT के बारे में अपन सोचेंगे। तो कैसे सोचना है अपने को, बहुत ही सिंपल है। मैंने LMVT लगाई पहले एक्स इज इक्वल टू वन टू टू इंटरवल में, तो LMVT बहुत आराम से लगा सकते हैं अपन, एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन अपॉन टू माइनस वन इज इक्वल टू होगा एफ डैश सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू वन टू टू, ऐसा होगा। और अपन जानते हैं कि एफ डैश सी क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या है, टू है, तो लिख सकते हैं आराम से, सही बात, ठीक है। तो ये अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन अपॉन टू माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है। फिर अपन ने क्या बात की, एफ ऑफ वन टू दिया हुआ है, यहां से एफ ऑफ टू के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से अपन बोलेंगे कि एफ ऑफ टू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू फोर, ये सॉल्व होके ये आ गया। सिमिलरली अपन ने LMVT लगाई टू टू फोर में, वहां से देखो क्या निकलने वाला है, वहां से निकलने वाला है एफ ऑफ टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर, ठीक है, वहां से ये इंफॉर्मेशन अपने को मिलने वाली है। तो एक तरफ तो आया लेस देन इक्वल टू फोर, एक तरफ आया ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों दोनों की दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो दैट मीन्स एफ ऑफ टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, फोर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थ्री। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ दैट दैट बी गिव्स एट ए पॉइंट टू कोमा फाइव टचेज द एक्स एक्सिस, the length of the shortest path that we gives at a point 2,5 touches the x-axis and then ends at the point of this circle, मतलब यहाँ से 2,5 कोई पॉइंट है, वहाँ से निकलना चाहिए वो, और एक सर्किल का कोई पॉइंट है उससे मिलना चाहिए, उससे इसकी शॉर्टेस्ट पाथ कब होगा, इस तरीके से है ना। ये मान लो P पॉइंट है, या ये पॉइंट मान लो A पॉइंट है, ये मान लो यहाँ पे क्या है, ये B पॉइंट है, ये इस सर्किल का क्या है, सेंटर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में अपन एक दूसरा लॉजिक यूज कर रहे हैं, जो अपन ने लॉजिक यूज किया है एक पॉइंट का इस पॉइंट से दूरी निकालना, इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं अपन, यदि ये A है, ये B है, ये पॉइंट P है, तो अपन बोल सकते हैं कि PA प्लस PB का मिनिमम वैल्यू निकालना जानते हैं अपन यूजिंग रिफ्लेक्शन। तो इसका अपन ने रिफ्लेक्शन लिया, क्या फायदा होगा उससे, कोई भी पॉइंट अपन उठाए, ये डिस्टेंस हमेशा इसके इक्वल है, सही है, ये डिस्टेंस हमेशा इसके क्या है, इक्वल है, ए, ये ए डैश, तो अपन यदि इसको पी पॉइंट माने तो पी ए इक्वल होगी पी ए डैश के, बोलो, ठीक है। फिर अपन बात करें सिर्फ और सिर्फ किसकी, पी बी की, तो चीजें किस पे डिपेंड करने वाली है, जैसे इस पी पॉइंट को घुमाएंगे तो पी ए और पी ए डैश ये दोनों तो इक्वल होगी हमेशा, तो अपन इस तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि जो पीबी की वैल्यू है वो
उस पे अपना फोकस है। तो एक तरीके से ए डैश पी प्लस पी टाइम्स ये यहाँ पे मान लो है इसका सेंटर, तो ए डैश ये पॉइंट है बी, तो ए डैश पी प्लस ए डैश पी प्लस पी बी, इसका मिनिमम डिस्टेंस ही तो निकालना है अपने को। तो मैंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, मैं ए डैश पी प्लस पी सी ये सेंटर, इसका मिनिमम डिस्टेंस निकाल देता हूँ, ए डैश पी प्लस पी सी का मिनिमम डिस्टेंस निकाल दूंगा, उसमें से रेडियस क्या कर लूंगा माइनस कर लूंगा। अब इसका मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, यही है ना, तो ये क्या हो जाए स्ट्रेट लाइन में हो जाए, एक तरीके से ये क्या हो जाए स्ट्रेट लाइन में हो जाए, सही है बात। तो एक तरीके से अपन क्या बोल रहे हैं कि एक पॉइंट पॉइंट है, इस पॉइंट की सर्किल से मिनिमम डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, यही तो बात है। ए डेस की सर्किल से मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अपन बोलेंगे कि ए डेस से इस सेंटर की दूरी निकाल लो माइनस क्या कर दो रेडियस कर दो, एक तरीके से यही हुआ, ए डेस की सेंटर से डिस्टेंस निकाल दो माइनस क्या कर दो रेडियस, यही तो होता है। तो इस सर्किल से किसी पॉइंट की सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस कभी भी निकालनी है तो अपन ने क्या सीखा है, यहाँ पर ये पॉइंट ए डेस है, ये पॉइंट सर्किल है, तो ए डेस सी माइनस रेडियस तो हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, ए डेस सी प्लस रेडियस क्या हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो बस इसी कंसेप्ट का यूज किया गया है यहाँ पे, ए डे सी माइनस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बाय यूजिंग दिस हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड सच दैट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड व्हेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इवन। अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड अपने को क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये इवन होगा और वाई जेड या इन दोनों में से कोई दो नंबर तो क्या होंगे ओड हो सकते हैं, एक इवन हो सकता है, या तीनों के तीनों क्या हो जाए, तीनों के तीनों क्या हो जाए इवन इवन इवन, तो यही पॉसिबिलिटी है। तो अपन ने बोला कि इस केस में इसके साथ कितने नंबर बन सकते हैं, तो अपन को दो ओड सेलेक्ट करने हैं, यहाँ से ओड कितने हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड लिखा हुआ है, तो अपने को दो डिफरेंट ऑड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो ऑड कितने हैं यहाँ पे 5 7 9, तो तीन में से कोई भी दो उठा लो 3c2, और इवन कितना है, ठीक है 3 इवन है और 3 ओड है, तो 3c1 इंटू अपने को क्या करना है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट, तीनों इवन का मतलब हो गया कि तीनों के तीनों उठा लो इवन नंबर, तो 3c3 तीनों का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट एफ -3 to 3 r बी ए डिफरेंशियल फंक्शन विथ एफ ऑफ 0 = -2 एफ डैश 0 = -1 जी ऑफ एक्स अपने को ये दिया हुआ है, देन फाइंड g डैश 0, जी डैश जीरो का मतलब पहले g डैश x निकाल लेता हूँ मैं, g डैश x क्या होगा 3 इंटू चेन रूल लगा देते हैं इसमें, 3 इंटू f + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है इंटू क्या हो जाएगा f डैश ऑफ 3f + 6, फिर क्या होगा इंटू 3 इंटू f डैश, है ना, इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 3 इंटू f डैश। अब इसके अंदर क्या लगा लो g डैश 0, g डैश 0 लगाया 3 इंटू f ऑफ, अब f ऑफ 0 मेरे को दिया हुआ है -2, तो 3 इंटू -2 + 6 का स्क्वायर इंटू f डैश ऑफ, ये देखो ये समेशन क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इंटू 3 इंटू f डैश ऑफ 0, ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या रखा है यहाँ पे x की जगह 0, तो यहाँ पे इनपुट x है, बट 3f + 6 को भी अपन कैलकुलेट करेंगे तो 3f + 6 भी क्या बन रहा है 0 ही बन रहा है, तो g डैश 0 क्या आ गया बच्चों 3 इंटू f ऑफ 0 का होल स्क्वायर इंटू f डैश 0
इंटू थ्री इंटू एफ डैश जीरो, रख दो वैल्यूज, एफ ऑफ जीरो यहाँ पे माइनस टू तो ये हो गया फोर इंटू एफ डैश जीरो क्या है माइनस वन, थ्री इंटू माइनस वन। क्या आ जाएगा आंसर 36। नेक्स्ट देखो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस टू द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस दिस। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो लाइंस दी हुई है, दो लाइंस दी हुई है, इसका मतलब अपने को दो वेक्टर पता है उसकी उस प्लेन के में, वन टू माइनस वन, और यहाँ पे माइनस वन वन माइनस टू। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, एक पॉइंट दो पॉइंट भी पता है, इनफैक्ट एक ही पॉइंट ले लो, आई प्लस से एक ही पॉइंट है अपने पास जो दोनों पे है लाइंस पे। तो एक तरीके से अपने को पॉइंट भी पता है वन वन जीरो, तो अपन प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं एन वन क्रॉस एन टू निकाल के। तो ये आ जाएगा प्लेन का इक्वेशन, नॉर्मल वेक्टर निकाला, प्लेन का इक्वेशन आ गया, प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है अपने पास, किसी प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी वन या डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, अल्फा बिलोंग्स टू आर द थ्री वेक्टर्स दीज आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब इनका एस टी पी क्या होना चाहिए, एस टी पी ऑफ ए बी सी शुड बी व्हाट, जीरो। एस टी पी ऑफ ए बी सी जीरो कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो अल्फा बिलोंग्स टू फाइव। क्वेश्चन नंबर एट, ए सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस एट थ्री कोमा जीरो एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ एट ऑन दी वाई एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस को थ्री कोमा जीरो पे टच करता है और वाई एक्सिस को क्या बना रहा है, वो एट का इंटरसेप्ट बना रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ये सिमिलरली नीचे भी हो सकता है, सही बात। तो ऐसे दो सर्किल पॉसिबल है, ठीक है। इन दोनों की यदि इक्वेशन लिखना चाहें अपन, ये यदि रेडियस है इसकी आर, रेडियस आर मान लेते, तो ये पॉइंट क्या होगा अपने पास, थ्री कोमा आर। तो इसकी टर्म्स में ये एट दिया हुआ अपने को, ये लेंथ एट दी हुई है, तो ये हो गई फोर, ये हो गई फोर, ठीक है। रेडियस अपने को दी हुई है, ये थ्री दी हुई है, तो ये कितना आ जाएगा फाइव, तो रेडियस कितनी आ गई फाइव, तो ये थ्री कोमा फाइव हो गया। तो अपने को सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक तो ये आ गई, और नीचे वाले को अपन लिखेंगे, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, सेंटर चेंज हो जाएगा थ्री कोमा माइनस फाइव, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये दो सर्किल्स हैं, अपने को क्या निकालना है, द पॉइंट थ्रू विच इट पासिस। तो पॉइंट रख रख के अपन चेक कर सकते हैं बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर नाइन, एन इलिप्स विथ फोकई एट जीरो कोमा टू जीरो कोमा माइनस टू। इसका मतलब अपने पास क्या है, फोकई जीरो कोमा टू और जीरो कोमा माइनस टू दी हुई है। तो फोकई है अपने पास वाई एक्सिस पे, तो इलिप्स होगा ऐसा कुछ, वर्टिकल इलिप्स होगा, ठीक है। आगे क्या दिया, पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब इसकी इलिप्स की अपने को इक्वेशन लिखनी है, बेसिकली इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, एक बार ए इज इसमें बी, अपन सर्किल की इक्वेशन, इस एलिप्स की इक्वेशन को ऐसे मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। यहाँ पे बी क्या होगा, ग्रेटर देन ए है, तो सारे फॉर्मूले क्या होंगे, बी के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग सारे फॉर्मूले, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, टू बी इज इक्वल टू फोर बोल सकते हैं अपन, पहली बात टू बी इज इक्वल टू फोर। दूसरा इसका क्या दिया हुआ अपने को, माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ फोर, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या दी हुई है फोर, माइनर एक्सिस मतलब ये वाला। तो अपने को दिया हुआ है टू ए इज इक्वल टू क्या, टू ए इज इक्वल टू फोर है, ठीक है, टू ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है फोर। अब इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं अपन, यहाँ पे ई का फॉर्मूला ई स्क्वायर होगा वन माइनस ग्रेटर क्या है यहाँ पे बी ए, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये होगा ई स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, सही है बात। तो देखो
वी स्क्वायर ई स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करके इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ऐसे अपने पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये है अपने पास 4। बी स्क्वायर अपने को दिया हुआ है पता नहीं है, ए स्क्वायर दिया हुआ है 4। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितने आ गई बच्चों, 8। बी स्क्वायर आ गया 8, ए स्क्वायर मेरे को पता है कितना 4। तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं क्या अपन, इक्वेशन आ गई। अब पॉइंट रख रख के अपन चेक कर लेंगे कि वो पॉइंट उसके ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ द कर्व सेटिस्फाइंग दिस। अब ये क्वेश्चन देखते ही थोड़ा सा अपने को ये फील आने चाहिए कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो अपन कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल में सोच सकते हैं क्या, है ना। एक बार पहले सोचना पड़ेगा ये बात। तो अपन ने बोला कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, डी एक्स। ठीक है, सही बात। अब देखो एक्स कॉमन लू तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मैं बोलता हूं कि यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, एक्स कॉमन ले लिया तो ये एक्स आ गया बाहर। ठीक है, अब इसको डी ऑफ एक्स वाई बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, डी ऑफ अपने को बनाना है डी ऑफ वाई बाई एक्स, क्या बनाना है डी ऑफ वाई बाई एक्स। तो डी ऑफ वाई बाई एक्स कैसे बनाएंगे, नीचे क्या आ जाए एक्स स्क्वायर आ जाए तभी बनेगा। तो नीचे एक्स स्क्वायर के लिए अपन ने क्या किया, एक्स है डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, डी ऑफ वाई बाई एक्स, डी ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू अपॉन क्या है, अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा एल एन ऑफ मॉड एक्स, इंटीग्रेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस सी, जो दिया हुआ उसको रख देंगे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया बाउंडेड बाई द दिस लूप। तो पहला सबसे प्रमुख काम इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो एक तरीके से मैं बोलूँ कि वाई की जगह माइनस वाई रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हो गया, ये जो जो भी कर्व है वो चारों क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिमेट्रिक। पहली बात, तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट का इसका सोचते हैं क्या कहानी होगी। तो देखो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स यहां पे क्या है, अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, कोई इश्यू नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन बोल रहे हैं कि फोर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डोमेन क्या है, फोर माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, बस भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब हो गया कि फोर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू वॉट, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू। इसका मतलब जो भी स्टोरी होगी वो माइनस टू से टू के बीच में होगी। अपने को तो एक्स पॉजिटिव दिया हुआ है, तो एक्स पॉजिटिव के लिए किससे किससे बीच, किससे किसके बीच में होगा, जीरो से टू के बीच में होगा। सही है, तो जीरो से टू के बीच में यदि बात करें, जीरो पे जीरो है, टू पे वापस जीरो है, इसके आगे होगा नहीं। तो ऐसा कुछ एक ग्राफ बनने वाला है। अब ऐसा ही ग्राफ क्या होगा, नीचे होगा, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो ये लूप बन गया। इस लूप का अपने को क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालना आसान है बच्चों, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर का फ्रॉम जीरो टू टू, इसका क्या कर देंगे फोर टाइम्स, दैट विल बी एरिया बाउंडेड बाई दी कर्व। ठीक है, इस एक का एरिया निकाल लो यहां से, यहां वाला, इसको क्या कर देंगे फोर टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12,
काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है, वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। तो इसका जनरल टर्म यदि लिखना चाहें, ये टू है, ये फोर है, ये एट सिक्स एन स्क्वायर है। अब सिक्स एन स्क्वायर से तो जनरल टर्म मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, बात ये आती है कि जनरल टर्म निकालें कैसे। तो अपन ने बोला कि इन दो में जो पैटर्न है उस पैटर्न को एक बार सोच के देखते हैं। वैसे तो तीन टर्म देनी चाहिए थी यहाँ पे, है ना, अरे यहाँ पे थ्री टर्म्स गिवन होनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी अपन पैटर्न की बात करते हैं तो थ्री टर्म्स का ही पैटर्न देखा जाता है, उसके बाद आगे सोचते हैं अपन, ठीक है। तो जेई में जो प्रॉब्लम आएगा उसमें थ्री टर्म्स गिवन होगी, बट यहाँ पे टू टर्म दी हुई है तो अपन टू टर्म से ही सोचते हैं। तो ये देखो वन प्लस, ये वन है, ये टू है, तो इसका मतलब एनथ टर्म क्या होगी, एन प्लस एन हो रही होगी। एनथ टर्म देखते हैं अपन, ये टू है, ये फोर है, तो एनथ टर्म क्या होगी, एन प्लस टू एन हो रही होगी। मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है अपने पास, थ्री एन इंटू टू एन सिक्स एन स्क्वायर। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आइडियली ये चीज़ गिवन होनी चाहिए थी, थर्ड टर्म गिवन होना चाहिए था क्वेश्चन में, ठीक है फाइन। इसका मतलब अपना सेटिंग बेटर है, ये एनथ टर्म आ रहा है, तो अपन बोलेंगे कि सिग्मा किसका कर रहे हैं अपन, वन अपॉन एन प्लस आर, है ना, इसकी जनरल टर्म क्या आ रही है, एन प्लस आर इंटू एन प्लस टू आर। इसका सिग्मा किया जा रहा है फ्रॉम आर इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, वन अपॉन एन स्क्वायर, वन अपॉन एन बाहर ले लेते हैं अपन, है ना, एक तरीके से अपन ने क्या किया, वन बाई एन बाहर लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर, ठीक है। तो एन स्क्वायर से अब क्या कर देते हैं, तो ऊपर नीचे डिवाइड, अपन ने क्या किया, एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एन स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दिया, सिंस ये मल्टीप्लीकेशन में तो दोनों में एक एक एन दे दिया डिनोमिनेटर में, ये डिवीजन हो गया, ये आ गया वन अपॉन वन प्लस आर बाई एन इंटू वन प्लस टू आर बाई एन, सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाई एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो ये टिपिकल बन गया किसका, वन बाई एन फंक्शन ऑफ आर बाई एन, सिग्मा आर आर इज इक्वल टू वन टू एन टेंडिंग टू एन इज इक्वल टू टू एन तक, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यदि ये बोल रहा है। तो ये क्या है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट एज ए सम। तो आर बाई एन को क्या करते हैं इस केस में, अपन एक्स मान लेते हैं, और अपन बोलेंगे कि जो वन बाई एन है वो अपना किसका काम करेगा, डी एक्स का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्म में देखो ये कन्वर्ट हो गया, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वन प्लस टू एक्स, आर बाई एन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। बोलो जहाँ जहाँ आर बाई एन था वहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, और जो वन बाई एन था वो किस में चला गया, डी एक्स में, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है ये कैसे पता करते हैं अपन, अपन बोलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, आर बाई एन, ठीक है। अब आर इज इक्वल टू वन पे वन बाई एन होगा वो, फोर आर इज इक्वल टू वन, ऐसे ही आर इज इक्वल टू एन पे एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एन बाई एन होगा। अब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये किसको टेंड करेगा, जीरो को, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये किसको टेंड करेगा, वन को। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया बच्चों, वन जीरो टू वन। क्वेश्चन नंबर 13, ये इंटीग्रेशन अपने को करना है, यहाँ पे काफी सिंपल है। देखो ए एक्स बी टाइम्स एल एन ऑफ दिस, ये कैसे बन सकता है इसके बारे में सोचो। तो ये कैसे बन सकता है, ये कैसे बन सकता है, ए टाइम्स जो नीचे लिखा हुआ है फोर इंटू ई की पावर एक्स प्लस फाइव इंटू ई की पावर माइनस एक्स, यही यहां बन जाए, और बी टाइम्स ये एल एन में कैसे आ सकता है, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, या दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके कंपेयर कर दो, इजिएस्ट वे क्या है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करके कंपेयर कर दो, सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएट बोथ साइड एंड कंपेयर। और इंटीग्रेट करने करके करना है तो इंटीग्रेट भी कम करके कर सकते हो तुम, इसको लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डी ऑफ नीचे वाला जो फंक्शन है फोर इंटू ई की पावर एक्स प्लस फाइव इंटू ई की पावर माइनस एक्स,
इसके डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ये लिख देंगे। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन आराम से, इंटीग्रेट करके भी ए और बी निकाल लो, या फिर क्या करो डिफरेंशिएट बोथ साइड। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड, जैसे ही दोनों साइड को डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये तो आ जाएगा 3 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 4 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। इसका फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो e की पावर x का कोफिशियंट कंपेयर कर लो, e की पावर माइनस एक्स का कोफिशियंट कंपेयर कर लो, दोनों होने चाहिए सेम, दोनों सेम होंगे, वहां से क्या होगा दो इक्वेशन दो वेरिएबल a और b कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन से किया है, डिफरेंशिएशन भी से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में अपने पास क्या है, y इज इक्वल टू क्या दिया भाई, 10x माइनस 10 की पावर माइनस एक्स अपॉन 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, एफ इनवर्स वाई, या अपन बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स फंक्शन निकालना है। पहले तो उसमें वाई हो अंदर, टी हो, जेड हो, वो अपन बाद में निकालेंगे। अपन ने बोला कि यदि ये एक्स का फंक्शन निकल, ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इफ दिस इज एफ ऑफ एक्स देन अपने को निकालना क्या है, एफ इनवर्स एक्स। ठीक बात, तो इनवर्स निकालते हैं, वैसे कैलकुलेशन करेंगे, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो। इसको वाई ले लिया मैंने, मान लो y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर x अपॉन 2 इंटू, माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा माइनस इंटू 10 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे y की जगह क्या है, वेट, यहाँ पे है प्लस 2 भी है, तो प्लस 2 ले लेंगे अपन। तो अपन बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 10 की पावर एक्स माइनस 10 की पावर माइनस एक्स अपॉन 10 की पावर एक्स प्लस 10 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये पूरा एक तरीके से मैं मान लेता हूँ टी जो भी है, ये पूरा मान लेता हूँ वाई है, इस पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो। तो एफ ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन 1 है मान लो प्लस 1, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, एड करेंगे तो ये आ जाएगा दिस प्लस दिस, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ रहा है देखो अपने पास, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट वाई। ठीक है ना, एक तरीके से पूरा क्या है वाई, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये माइनस का कैंसिल हो गया, 10 की पावर 2x, दोनों तरफ लॉग ले लो बच्चों, लॉग लेने पे ये आ जाएगा लॉग ऑफ टू द बेस 10, एफ ऑफ एक्स को y ले लेते हैं, y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2x, तो ये x आ जाएगा तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा। अब x और y को इंटरचेंज करने पे क्या बन जाएगा अपने पास, एफ इनवर्स एक्स। तो अपने पास एक तरीके से एफ इनवर्स एक्स क्या आ गया, 1 बाई 2 लॉग ऑफ 10 एक्स माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स, दिस इज एफ इनवर्स एक्स। अब एन एफ इनवर्स वाई निकालना है तो एक्स की जगह क्या रख देंगे अपन, वाई रख देंगे। एफ इनवर्स टी निकालना होता तो एक्स की जगह अपन क्या रख देते, टी रख देते। अल्टीमेटली अपन को निकालना क्या था, एफ इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस काफ़ी आसान सी प्रॉब्लम है। देखो ये कंटिन्यूस दिया हुआ है तो इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, तो साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या, जीरो, एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये क्या दे देगा, ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ये वन को टेंड करेगा तो आंसर आ जाएगा ए। और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जीरो है 3/4 प्लस 1/4 ए, ये एफ ऑफ जीरो है, दोनों को इक्वेट करेंगे ए की क्या मिल जाएगी अपने को, वैल्यूज, क्योंकि यही होता है एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। ए माइनस ए प्लस तो सेम लिमिट से कैलकुलेशन हो रही है, विच इज ए,
और एफ ऑफ जीरो खुद क्या है, दिस वन। दोनों को इक्वेट करेंगे और एक आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कंटिन्यूअस इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज मोनोटोनिक। एफ डैश एक्स किया अपन ने, अपन बोलेंगे या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए पूरे इंटरवल में, या होना चाहिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो उस पूरे इंटरवल में। वो कंटिन्यूअस इंटरवल जिसके अंदर ऐसा हो रहा है उसको अपन बोल देंगे ये कहानी है। तो एफ डैश एक्स मैंने किया, एफ डैश क्या मिल रहा है मेरे को, एफ डैश मिल रहा है 4 माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x, ठीक है, 10 2x का डिफरेंशिएशन। एफ डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कॉमन 2 माइनस sec² 2x, sec² 2 माइनस sec² 2x। अब ये फंक्शन कहाँ कहाँ चीजें चेंज कर रहा है, तो पहले 2x नहीं, मैं sec x sec t की बात करता हूँ, 2x को मैं पहले t मान लेता हूँ। sec t इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ±√2। जीरो कब होगा ये चेक कर लो, जीरो कहाँ कहाँ होगा। तो यदि मैं इस फंक्शन को बनाना चाहूँ 2 माइनस sec² 2x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो, तो अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि मोनोटोनिक में तो कुछ भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हैं, तो 2 माइनस sec² 2x, तो sec² 2x का ग्राफ कैसा होगा, sec² 2x का ग्राफ होगा ऐसा कुछ, है ना। अब माइनस में तो ग्राफ हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है, यहां से ही ये हो जाएगा माइनस ऑफ sec² 2x। फिर अपन बोलेंगे कि 2 माइनस sec² 2x मतलब 2 से ऐड ऐड हो गया, तो फाइनली ग्राफ जो मिलने वाला है इसका, दैट विल बी ऐसा कुछ ग्राफ आने वाला है एफ डैश एक्स का, है ना। 2 से अपन ने ऐड कर दिया, माइनस में 1 ही था ये, तो है ना, ये क्या -1, तो उसमें क्या कर दिया, +2 ऐड करते ही ये वापस क्या आ जाएगा यहाँ से, अब देखो वो मैक्सिमम इंटरवल जिसके अंदर ये क्या है, ग्राफ पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट क्या आएगा, जहां पे सेक 2x क्या हो, सेक 2x क्या है, √2 के इक्वल, है ना भाई। अपने को यही तो देखना है कि 2 माइनस sec² 2x जीरो कहाँ कहाँ पे, जीरो कहाँ कहाँ पे है, वहाँ जहाँ जहाँ पे sec 2x इज इक्वल टू होगा ±√2। कहाँ कहाँ पे sec 2x ±√2 होगा, जहाँ जहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या होगा, ±π/4, ठीक है, जहाँ जहाँ पे sec 2x एनी मल्टीपल ऑफ 5/4 दोनों ही आ रहे हैं, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n π ± π/4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा n π/2 ± π/8। तो ये एक तरीके से क्या है अपने पास, ये -π/8 है, तो ये क्या है अपने पास, +π/8। तो मैक्सिमम इंटरवल जिसमें ये पॉजिटिव है, तो ये कौन सा इंटरवल आ गया, ये वाला, तो π/8 + π/8 इज 5/4। नेक्स्ट देखो, cos x - 2 px इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जीरो, मोनोटोनिकली क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जीरो। और जो इक्वलिटी है वो कहाँ पे होनी चाहिए, इक्वलिटी मस्ट एग्जिस्ट एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x - 2p होना चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो, sin x + 2p होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो sin x + 2p ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 2p p के बारे में बताना है, 2p होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू -sin x। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, उससे p बड़ा हो जाए तो हमेशा ये ट्रू होगा, तो अपन बोलेंगे कि 2p मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 1, तो p मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, p मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, इक्वल टू नहीं लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, कोफिशियंट ऑफ x की पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस।
अब ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर अपने को क्या करना है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर टिल 1 प्लस एक्स की पावर 6 का 6, है ना। इसके आगे तो कोई मतलब ही नहीं है अपने को, क्योंकि जो भी टर्म आने वाली है उसके आगे उसमें जो एक्सपेंशन में एक्स की कोई रेस्ट पावर का तो कोई मतलब ही नहीं है, जो एक्स की पावर में इनका एक्सपेंशन क्या होगा, इसके अगले वाली टर्म्स का, इनके अगले वाली टर्म्स का एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स की पावर 7 है तो एक्स की पावर 7 की पावर 7, तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा फिर एक्स की पावर 7, 7c1 इंटू एक्स की पावर 7, तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कॉफिशियंट अपने को क्या चाहिए, एक्स की पावर 6 का। तो इन सब से 1 1 1 उठा लो और इनसे क्या करना पड़ेगा, अपने को अलग से सोचना पड़ेगा, है ना। तो क्या किया गया है यहाँ पे, अपन ने बोला कि सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 6 में जो काम की टर्म है उनको लिख लेता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 6 में 6c1 इंटू एक्स की पावर 6, ये हो गया। इससे आगे की टर्म अपने काम की नहीं है, इसका एक्सपेंशन। फिर मैंने बोला x की पावर 5 में 1 प्लस 5x की पावर 5 प्लस इसके आगे वाली टर्म होगी x की पावर 10, कोई मतलब नहीं, खत्म, इंटू 1 प्लस x की पावर 4, ठीक है, 4 इंटू x की पावर 4, है ना। एक्सपेंशन कर रहे हैं और आगे वाली टर्म को अपन क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं क्योंकि उनका कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है। इनटू अब 1 प्लस x³ का 3, उसमें तो क्या होगा, 1 प्लस 3c0 3x³ प्लस 3c2 x की पावर 6, इसके आगे कोई मतलब नहीं। एक्स स्क्वायर वाले में 1 प्लस x² का स्क्वायर तो 1 प्लस 2x की पावर 2x² प्लस x की पावर 4, ये होगा। और 1 प्लस x में सिर्फ 1 प्लस x। अब एक्चुअली अपने को पूरा इनका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से x की पावर 6 का कोफिशियंट निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसमें x की पावर 6 का कोफिशियंट कैसे कैसे मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 मिलेगा प्लस, फिर x की पावर 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए, थोड़ी ये क्या क्या बोल रहे अपन, यहाँ पे x की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाए 1 1 से, ठीक है, तो आ जाएगा 6 इंटू x की पावर 6, इन तीनों का मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं। कौन कौन की टर्म, कौन कौन सी टर्म अपने काम की है यहाँ पे, ये अपन सोचना चाह रहे हैं कौन कौन सी टर्म अपने काम की है, क्योंकि इधर आगे भी मल्टीप्लीकेशन हो सके x की पावर 6 का बन सकता है। तो इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन में x की पावर 6 के नीचे के कॉफिशियन जितने भी है वो लिख लेते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे, देखो वो होंगे 1 होगा x की पावर 6 के नीचे नीचे के कॉफिशियन, वो होगा 6x की पावर 6 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाए प्लस 5x की पावर 5 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाए प्लस 4x की पावर 4 इस 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाए। ये आपस में यदि मल्टीप्लाई हुए तो x की पावर क्या बन जाएगी, 6 से ज्यादा, तो इनका मल्टीप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं बनता। इनटू इन सब के बारे में भी सोच लिया अपन, तो ये अपने को करना ही पड़ेगा। 1 प्लस x को अलग रखा, यहां पे देख लो 1 प्लस x को अपन ने अलग रखा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन ने सोचा कि 1 के साथ क्या क्या x की पावर, तो 1 प्लस 2x² प्लस x की पावर 4 पूरा। फिर अपन ने बोला 3x³ के साथ, 3x³ के साथ 3x³ आएगा प्लस 6x की पावर 5 आएगा प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में तो x की पावर 6 से ज़्यादा आ गया, उसको हटा दिया, 3x की पावर 6 के साथ 1 ही आएगा, तो 3x की पावर 6, आगे कोई मतलब नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन आ रहा है बच्चों, है ना। अब इसके अंदर पूरा अपन ने सिंप्लीफाई करके चीज़ों को सॉल्व किया तो x की पावर 6 का कोफिशेंट क्या आ रहा है, 28। ये पूरी स्टोरी थी अपने पास, ठीक है। तो सोल्व करना पड़ेगा, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे अपने को काम करना पड़ेगा, वर्कआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट का d1 निकालो, सेकेंड का d2 निकालो, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट d3 निकालो। इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, d1 प्लस d2 प्लस d3 चेक करो एक बार, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, फिर चेक करो d1 इंटू d2 इंटू d3,
उससे कुछ फायदा हो रहा है क्या? इन दोनों से यदि फायदा नहीं हो रहा है, फिर अपन बोलेंगे कि क्या कोई कॉमन टर्म है क्या, क्यू क्यू कॉमन टर्म दिख रही है। तो अपन ने बोला कि डी वन जो आ रहा है, डी वन अपने पास क्या आया, पी स्क्वायर माइनस 12 क्यू, डी टू क्या आया, आर स्क्वायर प्लस 4 क्यू, डी थ्री क्या आ रहा है, एस स्क्वायर माइनस 8 क्यू। तो तीनों में क्यू कॉमन है, तो अपन बोलते हैं कि क्यू पे यदि मैं केस बनाऊं तो अलग अलग केस बन सकते हैं, क्यू पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव, क्यू जीरो। तो क्यू यदि पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डी टू पॉजिटिव हो जाएगा। इफ क्यू इज पॉजिटिव देन डी टू विल बी पॉजिटिव, इफ क्यू इज नेगेटिव देन डी वन एंड डी थ्री दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इफ क्यू इक्वल टू जीरो देन ऑल थ्री डी वन डी टू डी थ्री तीनों के तीनों पॉजिटिव हो गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। तो कम से कम एक रूट तो, एक इक्वेशन का तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, का मतलब अपने पास ये हो गया कि एक एक का यदि डी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कम से कम तीनों ही केस में एक इक्वेशन का तो रियल रूट होगा ही ना, कम से कम एक इक्वेशन का तो रियल रूट होगा ही, तो इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन का रियल रूट होगा, दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। ए कॉइन इज टोस्ट 7 टाइम्स देन प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स अपीयर। अच्छा क्वेश्चन है काफी। 7 बार एक कॉइन को टोस्ट किया गया है ना इस तरीके से, ठीक है, कंजिक्यूटिव 4 हेड आने चाहिए, है ना, कंजिक्यूटिव 4 हेड आने चाहिए। इसकी कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे, ठीक है, यही अपने पास दिया हुआ है। तो कंजिक्यूटिव 4 हेड कैसे कैसे आ सकते हैं, तो फर्स्ट चारों पे हेड आ जाए, ठीक है ना, अब यहां पे कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां पे कुछ भी आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सही है। अब इसमें वो वाला केस भी आ गया जब कंजिक्यूटिव है ना, कंजिक्यूटिव 8, कंजिक्यूटिव 7 हेड भी इसमें आ गया है, कंजिक्यूटिव 5 हेड भी इसमें अंदर आ गया, जिसमें फर्स्ट फोर्थ पे हेड हो और बाकी यहाँ पे हेड आ जाए, टेल आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो सारे केसेस इसमें इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है, अपने को उनको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात बोलो, फिर अपन ने बोला कि अच्छा एक ये केस हो गया, तो ये सारे केसेस फर्स्ट प्लेस पे हेड के साथ कंजिक्यूटिव हेड आना, ये सारे केसेस आ गए। फिर अपन ने बोला कि सेकंड प्लेस पे हेड के साथ सारे हेड कैसे कैसे आ सकते हैं। अब यहां पे यदि मैंने हेड ले लिया तो वो काउंटिंग तो पहले हो चुकी है, तो अपन ने बोला कि यहां पे क्या लो, टेल, अब कोई भी आ जाए यहां पे हेड हेड कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे केसेस जो आएंगे उसमें फर्स्ट, और ये इससे डिफरेंट होगा, ठीक है, ये जो केसेज होंगे ये इस वाले पहले वाले केसेज से अलग होंगे, और ये भी सारे केसेस कवर कर लेगा, ठीक है। फिर अपन ने बोला ये हेड कंटिन्यूअस अपन ने इन चारों प्लेस पे रख लिया, और यहां पे क्या है, टेल है, और बाकी जगह कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि टेल हो जाए थर्ड प्लेस पे, ये कंजिक्यूटिव हेड आ जाए फर्स्ट 2 प्लेस पे, कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारे केसेस अलग अलग है बच्चों, है ना, सारे केसेस अलग अलग है, तो इनका अपन क्या निकाल लेंगे, सिंपली सॉल्व करना है अब तो, है ना, सॉल्व करना तो काफी आसान है, आराम से अपन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और इसकी अपने को वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो एम जी एम का है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। उसमें अपन ने देखा होगा एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई क्यूब चाहिए और जेड की पावर 4 चाहिए। अब ये कैसे बनेगा, डायरेक्टली नहीं बनेगा, ये वाई क्यूब नहीं बना पाएंगे अपन, एक्स स्क्वायर बना सकते हैं, जेड की पावर 4 बना सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इनको इवन में लेके जाते हैं, इसको मैं पी ले लेता हूँ और पी स्क्वायर को सोचता हूँ। पी स्क्वायर क्या है, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 6, जेड की पावर 8, ठीक है। अब पी स्क्वायर के बारे में सोचें तो एक्स स्क्वायर को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अपने को इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि इन द एंड समेशन में क्या आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही आए, और वाई स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, उसको भी अपन ने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो तीनों का सम होकर क्या रहा, वाई स्क्वायर ही रहा।
और जेड स्क्वायर को भी मैंने क्या कर दिया, फोर पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जेड स्क्वायर को, जेड स्क्वायर बाई फोर प्लस जेड स्क्वायर बाई फोर प्लस जेड स्क्वायर बाई फोर प्लस जेड स्क्वायर बाई फोर, और ये टोटल कितनी टर्म्स हो गई, टू थ्री, ये टर्म भी क्या है जेड स्क्वायर बाई फोर, चार बार हो रहा है तो ये फोर टर्म्स है, टोटल नाइन टर्म्स है। तो ये नाइन टर्म्स जो भी लिखी हुई है डिवाइडेड बाई नाइन, ये इनका क्या है अर्थमेटिक मीन, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो अपने पास क्या जाएगा, इनका सबका सम तो क्या है वन है, वन बाई नाइन ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इन सब का प्रोडक्ट यदि करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा एक्स की पावर फोर वाई की पावर सिक्स जेड की पावर एट अपॉन नीचे क्या आएगा टू की पावर टू थ्री की पावर थ्री एंड फोर की पावर फोर की पावर वन बाई नाइन। यहाँ से देखो इसका अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, क्या बोलो, ये आ जाएगा अपने पास टू की पावर या नाइन की पावर नाइन लिख लेते हैं इधर, वन अपॉन नाइन की पावर नाइन या थ्री की पावर एटीन लिख लेते हैं, टू की पावर टू थ्री की पावर थ्री फोर की पावर फोर, ठीक है। ये क्या है पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर तो पी खुद क्या होगा, तीनों पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, पी लेस देन इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ दिस टू की पावर टू बाई टू फोर की पावर फोर बाई टू और थ्री की पावर इधर नीचे फिफ्टीन हो गया फिफ्टीन बाई टू, दिस इज अवर आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोल रहे हैं देखो, ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो देन वन आई प्लस ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, आई प्लस ए स्क्वायर जो भी बन रहा है इसको ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करते हैं। इसको एक बार i माइनस ए मानो, एक बार i माइनस ए का इनवर्स मानो, तो मान लो इसको मैं i माइनस ए का इनवर्स मानता हूँ तो इसका मतलब इनटू i माइनस ए का यदि ये इनवर्स होता है, बट ये अधूरा क्वेश्चन है, इसमें इन्वर्टिबल गिवन होना चाहिए, i माइनस ए इज इन्वर्टिबल गिवन होना चाहिए, पर ठीक है। इसको मैं i माइनस ए का इनवर्स मानूँ तो इसका मतलब i माइनस ए से मल्टीप्लाई करने पर ये i बनना चाहिए, यदि ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, तो इसको मैं i माइनस ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन रहा है, देखो i बन रहा है i माइनस ए, फिर a से करता हूँ तो a माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो a स्क्वायर माइनस ए क्यूब बन जाएगा, ये क्या बन रहा है i माइनस ए क्यूब, i माइनस ए क्यूब, ए क्यूब फिर से क्या दिया हुआ अपने को जीरो, तो मतलब ये बन गया i, तो आ गया अपने पास i इज इक्वल टू i। इसका मतलब जो इसको अपन क्या लिख सकते हैं i माइनस ए का इनवर्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो द नेगेशन ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन दिस इज, इसका अपने को क्या निकालना है, नेगेशन निकालना, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है मैथमेटिकल रीजनिंग का, इसका नेगेशन लिखा है डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, तो क्या जाएगा नेगेशन ऑफ पी, एक तरीके से नेगेशन का मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट, तो अपन ने क्या किया डी मॉर्गन्स लगाने पे जो ये यूनियन होगा वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा अपने पास अंदर गया तो ये हो जाएगा पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। नेक्स्ट देखो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोल रहे हैं अपन 24 में, ए पोल ऑफ हाइट 50 मीटर, 50 मीटर हाइट का पोल है और ग्राउंड से 250 मीटर की हाइट पे वो 50 मीटर का हाइट का पोल इस तरीके से, ये बिल्डिंग है 250 मीटर की, देन उसके ऊपर क्या है पोल है। एन ऑब्जर्वर एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर फ्रॉम ग्राउंड,
ग्राउंड से 300 मीटर पे एक ऑब्जर्वर है, मतलब इसी के लाइन में, ठीक है, वो सबटेंड्स इक्वल एंगल थीटा बिल्डिंग पे और पोल पे। तो एंगल सबटेंड करने का मतलब ये एंगल भी थीटा है, सबटेंड करने का मतलब दोनों एंड को वहां से देखा जा रहा है, ठीक है। अब इस ये ऑब्जर्वर इस पे भी थीटा सबटेंड कर रहा है, मतलब ये थीटा है, तो ये भी क्या है यहाँ पे थीटा गिवन है। और ये हाइट अपने को पता है कि ये कितनी है, 300 मीटर ग्राउंड से। ये क्या है अपने पास, एक्स, ये डिस्टेंस दी हुई है एक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, देखो क्या क्या दो इक्वेशंस बन जाएगी अपने पास, टेन ऑफ टू थीटा एक होगा, टेन ऑफ टू थीटा एक होगा अपने पास, टेन ऑफ थीटा। तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 50 अपॉन एक्स, और टेन ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 300 अपॉन एक्स। ये जगह 2t/(2tan θ)(1 − tan²θ) इज इक्वल टू 300 अपॉन एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। या फिर यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू एक्स की टर्म्स में निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 8 cos²θ + 2 cos²θ। क्या लगा लेंगे, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाएंगे। बट इसकी एक शर्त होती है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम कहीं भी कभी भी लगा सकते हो। दो शर्त होती है, एक शर्त तो क्या है, दोनों चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए जो कि इसमें है, दूसरा मिनिमा एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये तो होगा, बट ये यदि मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तभी तो ये अचीव कर पाएगा। ये वैल्यू अचीव कब करेगा, 8, व्हेन दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल, मतलब a + b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √ab। कब होता है, व्हेन a इज इक्वल टू, ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है, व्हेन a इज इक्वल टू b पे। a इक्वल टू b रख देंगे तो इधर भी a इधर भी a, तो ये 8 sin²θ इक्वल टू होना चाहिए 2 cosec²θ फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपन ने बोला कि sin⁴θ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4, जो कि पॉसिबल है, फिजिबल है। इसका मतलब ये 8 भी पॉसिबल है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो गई, 8। तो ये हमेशा AMGM लगाते टाइम ध्यान देना है कि वो मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।